आपका आर्यन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे वीडियो, तो आज जरूर मजा आएगा। तो ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट स्टार्ट करते। तो बिग बॉस 17 के विनर बन चुके मुना और पार्की, तो इन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला, गेम नहीं लेकिन लड़कियों के साथ खेला। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। वैसे पर्सनली फेवरेट मेरे कंटेस्टेंट थे मुना और फारूकी, और बहुत डिजर्विंग भी थे, तो इसके लिए वो शो जीते। और अभिषेक कुमार बिग बॉस 17 के रनर अप, जो कि बहुत अच्छा खेले और हर एक एपिसोड में अपना दम दिखाया, लेकिन रोने के बाद। लेकिन यार रनर अप बनना भी कोई छोटी बात नहीं है, अप्रिशिएटिव, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम लोग बात करते हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं दिल की बड़ी साफ हूँ, मैं बड़ी पारिवारिक हूँ। अबे क्या बोल रहा है, बिलियन बोल। जिनको नहीं समझ आया और जिनको नहीं पता, मैं उनको बताता हूँ। मिसेस अंकिता लोखंडे जितना नाम में दम है शायद उनमें होता। और बिग बॉस के घर में विक्की जैन इनके पति उतने ही रियल है जितने उनके बाल। हाँ तो मैं बात कर रहा था, अगर विक्की किसी भी लड़की के साथ बात करे या किसी भी लड़की के साथ बैठे या फिर कोई पार्टी में जाए जहाँ पे अंकिता जी ना हो, तो अंकिता जी को नहीं पसंद, और वो विक्की भाई के लिए पॉसेसिव भी है। तो ठीक है, हस्बैंड है, ऑब्वियसली होना ही चाहिए। लेकिन अगर ये तीन चीजें बाहर जाके अंकिता जी करे तो नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद ही देखो। वो बिहेवियर इज दैट यार, मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं ऐसी, इतनी गंदी सोच नहीं है मेरी, और मैं इतनी गंदी सोच नहीं है मेरी। इतनी गंदी सोच नहीं है मेरी। आपने देखा, मुझे तो बोलने की भी जरूरत नहीं, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये तो वो हो गया यार, किसी को किसी गंदी राह पर जाने से रोको और बाद में वहाँ पे अपना खुद ही घर बसा लो। Why dada, why? This is business. This is my swag. I know, but I did business. Shut up. This is business. Hey. तो बात करते ईशा मालविया की। ये बहुत ही अच्छी लड़की है, ये बहुत ही लॉयल है अपने रिलेशनशिप्स में, जैसे राखी सावंत। ये जो लड़की है ना, ये गेम प्लान्स में बहुत अच्छी है, लेकिन बिग बॉस ने इसका गेम बजा डाला, इसके करंट बॉयफ्रेंड को बिग बॉस शो में लाके। समर्थ का इनके मुताबिक ये ईशा के करंट बॉयफ्रेंड है। लेकिन यार कम से कम लड़की लॉयल तो है, पूरे दुनिया के सामने अपने बॉयफ्रेंड को एक्सेप्ट तो किया। तो ये बोलकर थैंक यू सो मच, क्यों मैं क्या लगता हूँ तेरा ईशा? दोस्त है। हाँ दोस्त है, तो क्यों बोलकर आया है? मैं दोस्त लगता हूँ? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग बात करते हैं ईशा के बॉयफ्रेंड समर्थ की। तो समर्थ को बिग बॉस में बुलाया करते थे चिंटू, मुझे तो लगता है सच्ची में बच्चे थे, क्यों शो में बुला लिया। क्या कर रहे हैं, देख देख ये लड़की को इसमें क्या पसंद है। अरे मेरे भाई ऐसे सीधा नहीं चला जा रहा, ये सच में बन रहा। और समर्थ बहुत ज्यादा पॉपुलर है अपने गर्लफ्रेंड के नाम पे। अच्छा चलो पॉपुलर नहीं है, लेकिन कम से कम टैलेंट तो होगा ना। ये मैं चैलेंज भी करता हूँ सबको, कोई नहीं ला सकता। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग बोलते हैं अरे ये क्या कर रहा है, बट कोई नहीं कर सकता वो, मैं बता दू आपको, कर नहीं सकता। नहीं भाई, टैलेंट भी नहीं है इनमें तो। चलो कम से कम बिग बॉस में आने का सपना तो पूरा हो गया ईशा के वजह से। तो अभी हम लोग बात करते हैं आयशा खान की, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर। कौन है यार आयशा खान? नहीं पता, हमको भी नहीं पता। तो अभी हम लोग बात करते हैं अरुण भाई की। हमारे अरुण भाई बिग बॉस शो में उतने ही दिखे जितने बॉलीवुड मूवीज में इमरान खान दिखे। तो चलो यार आज के लिए इतना बस हो गया। मुझे पता है कि ये बहुत छोटी वीडियो है, इतने महीनों के बाद एक्चुअली वीडियो डाली, तो फिर व्यूज आए या नहीं आए इसके लिए मैंने छोटी डाली। लेकिन अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके
अच्छे अच्छे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर नए हो तो। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो क्या कर रहे हो, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डीएम्स में जाके मैसेज करो कि किसको रोस्ट करना और किसको नहीं, मैं कर दूंगा भाई। और इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स देता हूँ, जाके पहले फॉलो करो। एंड हाँ, इस वीडियो का मैं टारगेट देता हूँ 200 व्यूज़ और 50 लाइक्स, इतना तो कर ही सकते हो।